ये खबर लाल कुआ से है, जहां गौला नदी में श्रीलंका टापू के निवासियों के लिए खोले गए रास्ते में चल रहे अवैध खनन की सूचना पर वन विभाग ने बिंदुखत्ता के तमाम क्षेत्रों में छापेमारी की, जिसमें आधा दर्जन वाहनों से अवैध खनन होने की जानकारी मिली, जिसके बाद चार वाहनों की निकासी अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई है, जबकि उक्त रास्ते को बंद कर दिया गया है। बता दें कि कुमाऊं की लाइफलाइन कही जाने वाली गौला नदी बिंदुखत्ता के खुरियाखत्ता स्थित वन देवी मंदिर के समीप श्रीलंका टापू के ग्रामीणों की आवाजाही के लिए बनाया गया है। संपर्क मार्ग से गौला नदी में खनन तस्कर कई दिनों से अवैध खनन कर रहे हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचे, जहां अवैध खनन करने वाले वाहन मौके से फरार हो गए। तराई पूर्वी वन विभाग गौला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह अधिकारी ने बताया कि वन कर्मियों ने अवैध खनन कर रहे ऐसे आधा दर्जन खनन वाहनों को चिन्हित कर लिया है। खनन की सूचना बिंदुखत्ता शांतिपुरी तटीय इलाकों में जो खेतों से या अवैध चोर रास्तों से जाने की सूचना मिली थी, हमने अपने स्टाफ को भेजा है और जहाँ जहाँ रास्ते नए बना रखे हैं उसको मशीन जेसीबी से खाई उधार किया जाएगा, रास्ते बंद किए जाएंगे और जिनके हमको नंबर मिले हैं कि ये ट्रैक्टर कर रहे हैं तो उनकी हम निकासी बंद करेंगे, ये रजिस्ट्रेशन पंजीकरण को निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे और कतई स्वीकार ही नहीं है अवैध खनन। फिर हमारा स्टाफ जो है अभी निर्वाचन लोकसभा चुनाव में भी ड्यूटी लगी है तो मैनेज करते हुए दोनों कामों को किया जा रहा है।